हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम क्लास 11th CBSE बोर्ड हॉर्नबिल, जो कि इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है, की फर्स्ट पोएम ऑफ फोटोग्राफ, जिसको कि शैरले टॉल्सन ने लिखा है, तो फ्रेंड उसका हिंदी अनुवाद देखेंगे, यानी कि हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। तो फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको अपनी मातृभाषा में किसी सब्जेक्ट की या किसी स्टोरी की या किसी पोएम की हिंदी में पता होगा तो उसके आप जवाब आसानी से दे लेंगे। तो फ्रेंड स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड देखते हैं, तो फ्रेंड देखिए ये पोएम है अ फोटोग्राफ, जिसको कि शैरले टॉल्सन ने लिखा है। तो फ्रेंड देखिए इसका आज हम इस वीडियो में हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। तो फ्रेंड पहले मैं इंग्लिश में पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, देन उसके बाद हिंदी में हम इसको देखेंगे। तो फ्रेंड देखिए पहला पैराग्राफ है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर और सो, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू द देयर हेयर एट द एंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस, माई मदर्स डेट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड द सी विच अपीयर टू हैव चेंज लेस वॉश देयर टेरेबली ट्रांजिस्ट फेट। तो फ्रेंड इस पैराग्राफ की हम हिंदी देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसकी हिंदी इस प्रकार है, इस फोटो से मुझे पता चलता है कि उस समय कैसा लगता था जब दो चचेरी बहनें मेरी माँ की एक एक बाँह पकड़े पानी में से छपछपाती जा रही थी, और माँ वह बड़ी लड़की थी कोई 12 वर्ष की, और वह तीनों स्थिर खड़ी थी। कैमरा लिए खड़े हुए चाचा की ओर देखकर बालों में से मुस्कुरा रही थी। मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था उस समय जब अभी मैं पैदा नहीं हुआ था, और समुद्र जो लगता है बहुत कम बदला है उनके अत्यधिक अल्पकालिक पांव धो रहा है। तो फ्रेंड ये थी फर्स्ट पैराग्राफ की हिंदी। अब सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। फ्रेंड सम 20-30 ईयर लेटर शी हैड लॉफ्ड एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डॉली, शी हैड सेड एंड लुक हाउ दे ड्रेस अप फॉर द बीच, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लॉफ्टर, बोथ वरी विद द लेबर एज ऑफ लॉस। अब फ्रेंड इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी। तो फ्रेंड देखिए, कोई 20-30 वर्ष पश्चात वह उस फोटो को देखकर हंसती और कहती थी, बेटी को देखो, डॉली को देखो, देखो उन दिनों हम समुद्र तट पर छुट्टियां मनाने के लिए कैसे कपड़े पहनते थे। समुद्र तट पर व्यतीत की छुट्टियां उसके अतीत की बातें बन गई, और मेरे लिए उसकी हंसी अतीत की बात बन गई, और इस क्षति पर हम दोनों कठिनाई से सामान्य दिखाई देने का प्रयास करते हैं। अब फ्रेंड थर्ड पैराग्राफ आ जाता है। तो फ्रेंड देखिए थर्ड पैराग्राफ क्या है। नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर एज डेड गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दीज सर्कमस्टेंसेज देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट साइलेंसेस। अब उस लड़की को मरे लगभग उतने ही वर्ष बीत गए हैं जितने वर्ष वह जीवित रही थी, और इस घटना के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, इसकी खामोशी ही मुझे खामोश कर देती है। तो फ्रेंड ये था पूरी पोएम का हिंदी अनुवाद। तो फ्रेंड आई होप आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।